ब्रह्मचर्य से स्त्री आकर्षण का रहस्य। हमारे बहुत से भाइयों के सवाल आते हैं, क्या भाई सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियां हमसे अट्रैक्ट होती हैं? अगर होती भी हैं तो ब्रह्मचर्य में ऐसा क्या है कि लड़कियां हमसे अट्रैक्ट होने लगती हैं? ऐसा क्या हो जाता है हमारे अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने से? तो दोस्तों पूरा वीडियो ये ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इसको। थोड़े बहुत मिथ हैं उनको भी आज हम दूर कर देंगे मेरे भाई। एक भाई ने अपना अनुभव हमसे शेयर किया है। उन्होंने बताया पहले वो बहुत वीर्यनाश किया करते थे तकरीबन 10-12 साल से, और फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और लगभग 3-4 महीने के जो है लगभग इनको हो गया है ब्रह्मचर्य पालन किए हुए। इन्होंने पाया कि लोग अब इन्हें अटेंशन देने लगे हैं, ठीक है, खासकर लड़कियां इन्हें अटेंशन देने लगी हैं, इनकी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, इनसे बात करना चाहती हैं, इनसे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन भाई मैं जो है पूरी तरह ब्रह्मचर्य में ही रम गया हूं, ब्रह्मचर्य का ही होके रह गया हूं, मुझे कई बार फर्क ही नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, इनने बहुत बड़ी बात भी बता दी है, क्योंकि अनुभव है। जब इंसान के अंदर खुद अनुभव वो करता है ना, तो वो बिल्कुल समझ लीजिए बहुत अलग होते हैं, वो खुद ही इसको महसूस कर पाता है कि बस किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप सुनिएगा, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो सिर्फ लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा मेरे भाई। आपने 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपकी और कोई लड़की अट्रैक्ट हुई, आपने उससे बात की, नंबर आदान प्रदान कर दिए, रातों में चैटिंग हुई, बात हुई, फिर आपके अंदर वासना उठी, कामुकता उठी, और कुछ ऐसी वैसी बात हुई, आपका ब्रह्मचर्य नाश हो गया, आपने वीर नाश कर दिया, टूट गया ब्रह्मचर्य, आप वापस उसी खाई में गिर गए। तो लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मत कीजिए, अपने खुद की उन्नति के लिए, सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो मेरे भाई, ठीक है, अपनी खुद के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। और जहां तक रही बात लोगों के अटेंशन की, लड़कियों के अटेंशन की, तो मेरे भाई 100%, ठीक है, 100% आपको अटेंशन मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, ये कंफर्म है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आपके ऑरे को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या होता है जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो और कोई लड़की आपसे अट्रैक्ट होती है, आपसे बात करना चाहती है, आपसे आपकी फ्रेंड बनना चाहती है, वो जब वो आपके पास होती है तो उसको अनुभव होता है आपकी एक ताकत का, एक ऊर्जा का, ठीक है ना। उसको लगता है कि मैं एक ऐसे एक व्यक्ति के साथ खड़ी हूं ना कि मतलब मैं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हूं, वो अपने आप को बहुत मतलब ग्रेट समझती है कि यार मैं कैसे इतने शानदार व्यक्ति के पास खड़ी हूं, एक पॉजिटिविटी ने मुझे घेर लिया है पूरी तरीके से। कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं मेरे भाई, हम दिन भर परेशान रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोगों से हम टकरा जाते हैं जिनसे थोड़ी बहुत हम बात कर लें, लेकिन उनका ऑरा इतना मजबूत होता है कि हमें भी उनके साथ लगने लगता है कि यार आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत मतलब मजबूती आ रही है शरीर में और पॉजिटिविटी लग रही है बिल्कुल। किसी किसी व्यक्ति का ऑरा बहुत मजबूत होता है, और ऑरा ब्रह्मचर्य से चमक जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से आपका ऑरा मजबूत होगा, लोग आपको 100% अटेंशन देंगे, लड़कियां भी आपसे अट्रैक्ट होंगी मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब आपके सामने फूल लेके खड़ी हो जाए। सब भाई कोई आपसे बात करना चाहती है, कोई आपकी फ्रेंड बनना चाहती है, कोई आपको अपना भाई बनाना चाहती है, कोई सच में आपसे रिलेशन रखना चाहती है, आपके आपको देखकर वो कुछ सोच रही है आगे अपने बारे में, आपके साथ फ्यूचर के बारे में उनको सोच रही है, तो मेरे भाई ये हो सकता है बिल्कुल। बाकी फिर ये आपका डिसीजन है कि आप आगे अपने क्या फैसला लेने चाहते हैं, सही लड़की के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन बस लड़कियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो मेरे भाई टूट जाएगा, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का मजबूती के साथ पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य आपको सदैव खुश रखेगा मेरे भाई, यकीन मानो मेरा। ब्रह्मचर्य परम बलम, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।